अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू HAGFX। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम एक और न्यू ईयर का वॉलपेपर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक साइज़ लगा लेंगे वॉलपेपर का। मैं तो एग्जैक्ट साइज़ नहीं लगा रहा, ऐसे ही लगा रहा हूँ। आप जब अपना जो भी साइज़ लगाएं वॉलपेपर, जिस चीज़ का बनाएं, आप उसका साइज़ लगा सकते हैं। इसको मैं अभी कलर कोई नहीं करता। इसमें हम करते हैं मैश फिल का इस्तेमाल। इसके लिए सबसे पहले इधर मैं कर देता हूँ ये ऐसे, ये कलर इस साइड पे, ये नेक्स्ट कलर इस पे, ये कलर मैंने पहले ही साइड पे किए हैं, और दरमियान में ये कर देते हैं, इधर भी इस साइड पे ये कर देता हूँ। ले फ्रेंड, ये एक वॉलपेपर की हमने बेस बनाई है, बैकग्राउंड। अब इसके ऊपर हम 2023 लिखते हैं। फॉन्ट आप कोई भी रख लें बेशक, मैं सिंपल एरियल को ही बोल्ड कर लेता हूँ। ये फॉन्ट मैंने ऐड किया है। अब हम इस पर कुछ वर्क करेंगे 2023 पे। इसको कर लेंगे सबसे पहले कंट्रोल क्यू, कर्व कर लेंगे, वाइट कलर कर दिया। या इसको हम आउटलाइन लगा लेंगे, राइट क्लिक करके आउटलाइन लगाई, इसको 2 पॉइंट कर दिया। दरमियान में हमने इसको ब्लैक ही कर दिया। फिलहाल 2 पॉइंट की आउटलाइन लगाई। अब हम करेंगे इसको कंट्रोल शिफ्ट क्यू। कंट्रोल शिफ्ट क्यू करने से होगा कि हमारी आउटलाइन अलग हो जाएगी और अंदर वाला हिस्सा अलग हो जाएगा, इस तरह से। अब हम अंदर वाले में भी चेंजिंग कर सकते हैं। अंदर वाले में चेंजिंग कैसे करेंगे? फ्री हैंड कुछ कलर ऐड करेंगे, जैसे ये इधर इतना ऐसे मैंने कट लगाया, एक इधर ऐसे कट लगा दिया। अभी तो मैं सिर्फ फ्री लगा रहा हूँ, कट लगाऊंगा। इसको ट्रिम करेंगे हम, इसको इधर ऐसे, इसको ऐसे, दो को भी यही सारा इधर ले आते हैं, इस तरह से। इनको अलग अलग करने के लिए मैं कंबाइन किया है इसे, और अब इसे दोबारा से कंबाइन कर रहा हूँ ताकि ये सारे वर्ड अलग अलग हो जाएं। तो इसी तरह इनको भी ऐसे ऐसे कर दिया, इतने हिस्से में लगा दिया। इन सब को मैं इधर से इंटरसेक्ट कर दूंगा इनके साथ। फिर हम सब में जब भी ये कलर ऐड करेंगे, ये इस पर नॉट ख़त्म करनी है। अब इसको इसके साथ इंटरसेक्ट कर दिया, ये दो हो गए। इसको इसके साथ इंटरसेक्ट किया, इसको डिलीट कर दिया, इसको इसके साथ इंटरसेक्ट कर दिया, इसको भी डिलीट। इस तरह मैं सबको आपस में इंटरसेक्ट कर दूंगा। अब ये सारे लफ्ज अलग अलग हो चुके हैं। अब मैं इनमें ऐसे कलर ऐड कर लूँगा, कोई भी कलर मैं जो मैंने सेलेक्ट किए हैं। वो हम ऐड कर लेंगे इनमें, दो को इस दफ़ा चेंज कलर कर देते हैं। ये हमारा 2023 रेडी है। इसको इसी तरह हम थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, और अब इसके नीचे भी हम हैप्पी न्यू ईयर लिख लेंगे। इसको इसके सेंटर में किया, इसको भी आप बोल्ड कर लें। इसको हम सिंपल वाइट कलर कर देंगे इस तरह से। इस सब को ग्रुप करके हम इसके सेंटर में बिल्कुल कर देंगे। अब हम इसके ऊपर कुछ ऐड करते हैं, जैसे सेलिब्रेशन का कोई एलिमेंट। तो आर्टिस्टिक मीडिया टूल पे ही हम जाएंगे। इधर से ये स्प्रेयर को ऑन करेंगे। स्प्रेयर में ये दूसरे नंबर पे है मिस्क, इसको ऐड किया। तो इधर से हम
ऑब्जेक्ट पे ये चीज़ ऐड कर लेते हैं। ये एक लाइन ऐसे मैंने सीधी लगाई तो ये ऊपर इसके ये चीज़ आ गई बड़ी बनी हुई। ये इस तरह के बहुत से इसमें टेम्पलेट्स मौजूद हैं, आपको इस तरह की बहुत सी चीज़ें बनी बनाई कोरल ड्रा में ओरिजिनल ही मिल जाती हैं, आपको बनानी नहीं पड़ती। इसको इसके सेंटर में कर दिया, इस सब को हमने पेज अप कर दिया, उसको पेज डाउन पे कर दिया। इसको हम सारे को पकड़ के सेंटर में करेंगे और थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देंगे। आप इसमें अगर कुछ और भी ऐड करना चाहें अपनी मर्ज़ी से, अपना नाम या अपना कुछ भी, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा फ़िलहाल एक और नया वॉलपेपर बनकर रेडी है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।